पिक्चर में बहुत मस्ती है, बहुत एंटरटेनमेंट है और तीन कजिन्स की यारियां के ऊपर है फिल्म। आप लोगों की क्या मेमोरी रही है कजिन्स के साथ? मैं बहुत छुपन छुपाई खेलती थी, बहुत घूमना फिरना, उनका मेरा होमवर्क करना, मेरी हेल्प कर देना। हम लोग वो ट्यूबवेल वाला पानी जहाँ से आता था उसके बीच में बरामदे में हम लोग सब लोग एक साथ नहाया करते थे। When I say word यारियां, एक word बताइए। शिखरन बज्जू। शिखरन बज्जू अब कैरेक्टर्स की कैरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर से गाइड किसको ज्यादा पड़ती थी? पर्ल। पर्ल। यार हम अपनी जिंदगी में इतना रुज जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं कि हम एक्चुअली खुश होना भूल जाते हैं, और ये चीजें जो हमें खुशी दे सकती हैं वो जिंदगी की वो सारी चीजें नहीं दे पाती जो आजकल मैच्योरिटी के साथ आई हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ आई हैं। पर ये 2 घंटे 20 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत 2 घंटे 20 मिनट होंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। हेलो, हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। 2014 में यारियां फिल्म रिलीज हुई, मैं स्कूल में थी, बस में हम लोग गाना गाते थे, ए फॉर आओ रे आओ, बी फॉर भाओ ना खाओ। और कट टू 9 years लेटर यारियां 2 रिलीज हो रही है, मैं यहाँ इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे लिए तो अचीवमेंट है ये। वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ पूरी कास्ट है यारियां की, कैसा लग रहा है यारियां 2 आ रही है? बहुत बहुत एक्साइटेड है और पिक्चर में बहुत मस्ती है, बहुत एंटरटेनमेंट है और तीन कजिन्स की यारियां के ऊपर है फिल्म। एंड दैट्स आल्सो द यूएसपी, क्योंकि हिंदी फिल्म पर्दे पर दोस्तों के बीच में यारियां आई हैं बट कजिन्स के बीच में यारियां नहीं आई। एग्जैक्टली। एंड कजिन्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो हमारे इंडियन कल्चर से बहुत रिलेट करती है। बिकॉज आजकल क्या हो गया है कि बचपन में तो कजिन्स के साथ फ्रेंडशिप होती है बट बड़े होने तक सब अपने अपने लाइफ में चले जाते हैं। तो आई थिंक फिल्म बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ेगी और सबको ये मोटिवेट करेगी कि आफ्टर वॉचिंग द फिल्म कॉल योर कजिन्स, अगर आपका बॉन्ड कहीं ना कहीं दूर हो गया तो री अच्छा जब भी मैं कजिन्स की बात कर रही हूँ ना, तो मुझे जो दिमाग में आता है, सो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे घर में क्या होता था, जब सारे गर्मियों की छुट्टी में इकट्ठे होते थे फिर हम लोग ऐसे बेड जमीन पर डाल के बैठते थे और घर वाले जब सो जाते थे, क्योंकि 9-10 तक उनका हो जाता था सोना, फिर हम लोग चुपचाप बातें कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फिर डांट पड़ रही है, फिर हम लोग ही कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मेमोरी रही है कजिन्स के साथ? स्टार्ट करते हैं आपसे। मेमोरीज बहुत सारी हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अक्सर याद करता हूँ, जैसे हम लोग वो ट्यूबवेल वाला पानी जहाँ से आता था उसके नीचे हमारा जो मतलब पापा का बड़ा घर था, हवेली, उसके बीच में बरामदे में हम लोग सब लोग एक साथ नहाया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, वो मोमेंट्स बहुत कमाल के होते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब खाना खाना होता था तो सारे साथ बैठ के खाना खाते होते थे, पतंग हम लोग साथ में उड़ाया करते थे, मैं उड़ाता था सबको, चरखी बारी बारी पकड़ाता था, मैं किसी को पतंग देता ही नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज हैं जो चाइल्डहुड के मेमोरीज हैं जो हम लोग अक्सर अगर साथ कभी बैठते हैं तो याद करते हैं। मुझे लगता है आप सभी हमारी फिल्म को देखने के बाद बहुत सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट करेंगे और याद करेंगे। ओके, आपका टर्न है अभी। मैं बहुत छुपन छुपाई खेलती थी, ऐसा गेम्स हम बहुत खेलते थे, छुपन छुपाई, स्क्रैबल, राजा मंत्री, चोर सिपाही, चिट्स वाला, या सो लूडो, सांप सीढ़ी, सो ऑल दीज गेम्स वी हैव प्लेड अ लॉट, यू नो। ओके, और आपकी? बहुत घूमना फिरना, उनका मेरा होमवर्क करना, मेरी हेल्प कर देना। उस वक्त एक्चुअली मेरी एक कजिन थी जिसका जिसके पास मैं एक ही जॉब के साथ जाता था, और वो ये था कि उस वक्त एप्पल म्यूजिक और ये जो आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो होते नहीं थे, तो हमें सीडी बर्न करनी पड़ती थी। अच्छा। तो या तो आप कैसेट पे आपने बनाया, कैसेट के बाद आई सीडी, तो 712 MB या 512 MB की कुछ मोजबेर की सीडी आती थी, और वो मोजबेर की सीडी पे मेरी कजिन का एक ही काम था कि ये गाना डालो, ये गाना डाउनलोड करके डालो, एंड शी यूज्ड टू मेक लाइक अ नाइस एल्बम फॉर मी जो मैं अपनी गाड़ी में सुनता था, बिकॉज मैं म्यूजिक का बहुत शौकीन था। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो कजिन हमारी हेल्प करते हैं, हमें तकलीफ या ट्रबल से बाहर निकालते हैं, कभी कुछ बुरा होने के लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं हमारे पेरेंट्स के लिए। कभी मेरे पास मेरे कजिन के बहुत सारे सीक्रेट हैं और मेरे सीक्रेट सबके पास है, उन लोगों के पास है। आप लोगों के पास कोई कोई सीक्रेट है जो आप लोग कैमरा पे खोलना चाहोगे? आपस में हमारे नहीं, कजिन्स के। अरे बहुत सारे सीक्रेट्स हुआ करते थे बचपन में, लेकिन अब उन सीक्रेट्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस टाइम के लिए वो सीक्रेट्स बहुत सीक्रेट्स थे। एक्चुअली मैं अपने सारे कजिन्स को कुछ भी गलत काम करने से रोका करता था, ये बचपन से मेरा एक वो था कि नहीं, क्योंकि बच्चों ने तब नई नई ड्रिंक करनी शुरू की थी, और मैं ऐसा था जो भी मेरे से छोटे थे या बड़े भी थे थोड़े बहुत, मैंने कभी किसी को ड्रिंक नहीं करने दी अपनी फैमिली में, और सब लोग इस बात को लेकर मुझसे बहुत डरते होते थे। तो डॉल्फिन करके एक वाटर पार्क है आगरा में, वहाँ पे सारे बड़े ड्रिंक कर रहे थे और सारे छोटे अपना कोक जो भी कुछ ले रहे थे, तो मेरा एक भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सुनेगा तो समझ जाएगा, तो मेरा कजिन ही है वो, उसने कोक में थोड़ी सी दारू मिला ली और
किसी ने आके मुझे बता दिया कि वो ऐसे कर रहा है, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मैं वायलेंट हो गया। तो वो उसका एक सीक्रेट है जो आज तक किसी को नहीं पता, आज पहली बार मुझे भी याद आया तो मैं बता रहा हूँ कि उस दिन के बाद फिर उसने अब वो वापस ड्रिंक करना उसने शुरू कर दिया। अब अपनी अपनी ज़िंदगी में सब लोग जी रहे हैं, बाकी ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कजिन्स के हमारे पास हुआ करते थे। आप में से किसी के पास है कोई सीक्रेट जो आप कैमरा पे खोलना चाहते हैं? सीक्रेट तो नहीं है वैसे कोई, तो कुछ भी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो सीक्रेट्स तो बड़ों के बीच में थे, तो मैंने तो कोई आई वाजंट पार्ट ऑफ एनी सीक्रेट्स एक्चुअली। मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी पिक्चर यारिया टू में बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम करते हैं, एक दूसरे के सीक्रेट्स हैं, जैसे मुझे ले जाते हैं और गोलगप्पे में दारू मिलाकर पिलाते हैं, तो उस दिन मतलब वो ऑन स्क्रीन दारू है बट शूट में तो हमें गोलगप्पे खाने थे पानी डाल डाल के, तो पता नहीं कुछ 25-30 गोलगप्पे खाए मैंने उस दिन शूटिंग में। गोलगप्पे तो वैसे सबके फेवरेट है। हाँ, बट इट वाज लाइक टू मच एवरी, मतलब बहुत सारे शॉट्स थे अलग अलग एंगल से, ऑल ऑफ दीज, एंड देन दे टेक मी ऑन अ बाइक, एंड देन यू नो मेरे जो ऑन स्क्रीन हस्बैंड है उनके सामने मेरे पोल खोलते रहते हैं अलग अलग जो मेरे सीक्रेट्स है पिक्चर में, उसको फुल ऑन मस्ती हुई है शूट के टाइम पे, मतलब ऑन स्क्रीन दिखेगी, हम बच बच के। दिव्या, हाँ आप कुछ कह रहे थे, आपका लिखे? नहीं, मैं ये कह रहा था इवन द गंजेड़ी दुल्हन सीन, वो हम तीनों के बीच का सीक्रेट है, वो बाहर वालों को तो किसी को पता नहीं कि एग्जैक्ट हमने ये करवा दिया। Exactly. So, ऐसी कई मोमेंट्स हैं फिल्म में जो आप मैं गंजेड़ी दुल्हन प्ले कर रही हूँ, मतलब मेरा जैसे शादी होने वाली होती है तो ये मुझे ट्रेलर पे देखा हमने, आप हाँ, स्मोक अप कर, हाँ ये मेरे को इनकरेज करता है कि मैं स्मोक गांजा गंजेड़ी दुल्हन को मंडप तक लेके जाएगा, मैं इनकी शादी कर रहा है बर्बादी, ऐसा वो जो आपने ट्रेलर में देखा। अच्छा, आप से बात करें, जब यारिया की बात होती है आप थोड़ा सा ज्यादा आप ओनरशिप रखते हो, यारिया वन आपने डायरेक्ट की एंड देन यारिया टू में आप एक्टिंग कर रहे हो, आपने सोचा था कि जब यारिया टू बनाएंगे तो एक्टिंग करेंगे? देखिए, अभी मैंने नहीं सोचा यारिया थ्री होगी तो मैं उसमें क्या करूंगा, यारिया वन में भी नहीं सोचा था। तो ये एक्टिंग डायरेक्शन, यारिया को डायरेक्ट करने वाला फेज ज्यादा एंजॉय किया था या फिर यारिया टू में एक्टिंग करने वाला फेज ज्यादा? मैंने डायरेक्शन मुझे बहुत बहुत मैंने बहुत इंजॉय करके की और एक्टिंग भी मैं फुली इंजॉय करके करती हूँ। आई लव माई वर्क। वी बाइड। अच्छा, आपसे ही सवाल है, आप इसमें पूरा लहंगा और पूरा शादी के कपड़े में आपने बहुत ज्यादा शूट किया है, आई थिंक मतलब जितना हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, आप इसमें भी बैंगल्स पहने हुए हो, इसके अलावा आप डायलॉग बोलते से हस्बैंड मत बोलो गुड़गुड़ होता है, जब आपकी रियल लाइफ शादी हुई थी जी, तो सेम बहुत गुड़गुड़ हुआ था शादी हुई थी तब भी सेम फीलिंग थी या फिर क्या? नहीं, तब मेरी कजिन ने ऐसा मुझे ये सब नहीं पिलाया था ना, हम नहीं थे, हर गुड़गुड़ बहुत थी थी जी जी। अच्छा, मेरी अभी भी होती है गुड़गुड़ एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी पिक्चर रिलीज है तो बहुत गुड़गुड़ एक्चुअली। लाडली का जो कैरेक्टर है उन्होंने बेस्ड ऑन द रियल दिव्या लिखा है, जो डायरेक्टर्स है राधिका राव विनय सत्तू, तो जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ वो उन्होंने मेरे कैरेक्टर लिख दिया है जी। दिव्या, आपको तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कैरेक्टर बनना नहीं था, आई वाज द कैरेक्टर। आपसे बात करते हो, थोड़ी सी यहाँ पर हम बात सीरियस लेके आते हैं, जब आपको पता समझ गया होगा क्या सवाल आने वाला है, सो जब आप जाफरी सरनेम कैरी करते हो, सो जनरली बात होती है नेपोटिज्म की, बट जब आप इसे दूसरे चश्मे से अगर आप देखें तो इट्स लाइक कि ये मुश्किल होता है शायद उन सभी बच्चों के लिए जिनके फादर या जिनका कोई भी रिलेटिव इस इंडस्ट्री से रहा है, बिकॉज आपके पास फेल होने का ऑप्शन नहीं होता, आपके पास वो बैगेज तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हो आप, वो चीज़ घर से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले या फिर सोसाइटी में कभी कोई इंस्ट्रक्शंस मिले कि देखो ऐसा है कि आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि दूसरे घरों में दूसरे जिनके फादर या ग्रैंडफादर इंडस्ट्री में रहे या मदर वो कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे दादा भी बहुत बड़े एक्टर थे, तो जब मेरे पिताजी आए तो उनके पीछे तो ना किसी ने वो नेपोटिज्म का टैग लगाया, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी कला से लोगों को सालों भर प्रस्तुत करके दिखा के एंटरटेन करके ही इज अर्न दैट रिस्पेक्ट, एंड आई बिलीव कि मुझे भी वही करना है ओवर द ईयर्स, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, बहुत काम करना बाकी है, अपने आप को साबित करना बाकी है, एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स ऑटोमेटिकली वो लव और रिस्पेक्ट और फैन फॉलोइंग आ ही जाती है अगर आप अच्छा काम करते रहो, आप अपना काम शिद्दत से करो,
सो आई थिंक ओवर द इयर्स आता है, बट मैं कोई प्रेशर नहीं लेता उसको लेके 100%, क्योंकि मेरी एक अलग पहचान है, मेरा एक अलग तरीका है चीज करने का. मैं अगर चाहूँ भी तो मैं मेरे पिताजी जैसी चीजें नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो उनकी पर्सनैलिटी और उनकी स्किल के साथ जाती हैं, और अगर वो चाहें तो वो मेरे दादा जितना अच्छा जो मेरे दादा करते हैं वो नहीं कर पाएंगे. तो हर एक की एक अलग आइडेंटिटी होती है, एक अलग तरीका होता है चीज करने का, और मेरा एक अलग है. ओके, मिजान की प्रेजेंस से पर्ल को कभी कुछ प्रेशर फील हुआ है? सेम वाला क्वेश्चन है जो आप पे कैरी फॉरवर्ड में कर रही हूँ. कभी भी कोई इनकी वजह से कोई मतलब प्रेशर फील हुआ है या फिर कंपैरिजन हुआ? बाथरूम का प्रेशर फील साइज का ब्लैडर बड़ा नहीं, बेसिकली ऐसा कभी नहीं हुआ. मिजान इज अ स्वीट हार्ट. वो हम लोगों ने एक्चुअली सेट के दौरान हम लोग इतना ज्यादा बात नहीं करते थे या कर नहीं पाए कह लो. अब हम लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को जान पा रहे हैं. कभी भी किसी भी तरीके का प्रेशर आपस में हम तीनों को किसी को लेकर नहीं हुआ. हाँ, दूसरे प्रेशर्स थे. ये भी सीक्रेट है, एक दूसरे की आंखों में देख के हंस रहे. बट वी एंजॉयड द प्रोसेस. डिफिकल्टीज थी बहुत ज्यादा, बट फिर भी हम लोग जिंदा बाहर तक डटे रहे. हम डटे रहे जिंदा बाहर आ गए. लेकिन जो प्रोडक्ट बन के निकला है, आई कैन अश्योर यू प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला है. यारियां टू जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा निकला है. एंड उसमें वो सारे एसेंस हैं, इमोशंस हैं, वो सारे थ्रेड्स हैं जो हम अपनी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ा है. और हम यारियां टू के जरिए चाहते हैं कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो सब रिकॉल करें अपने बचपन को, अपने कजिन्स को, अपने फ्रेंड्स को, इवन क्योंकि ये फ्रेंड्स भी हैं, कजिन्स भी हैं, वो सारी मेमोरीज रिकॉल करें. यार हम अपनी ज़िंदगी में इतना रुझ जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं कि हम एक्चुअली खुश होना भूल जाते हैं. और ये चीज़ें जो हमें खुशी दे सकती हैं वो ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें नहीं दे पाती जो आजकल मैच्योरिटी के साथ आई हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ आई हैं. ये बड़ा इनोसेंट रिलेशनशिप होता है जहाँ पर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हंस रहे हैं. तो ये और इससे कई ज़्यादा डीप रिलेशनशिप वहाँ होता है जहाँ बचपन से जिन लोगों के साथ रहे हैं वो छोटे छोटे बचपन के जोक्स होते हैं जिनपे सिर्फ आप ही हंस रहे होते हो और खुल के हंस रहे होते हो. आपको उनके सामने नहीं होता कि मैं कैसे बैठूं, कैसे उठूं, कैसे हंसूं. तो वो सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि आप सब वापस से रिकॉल करें और खुश हो जाए एक बार फिर से. और ये 2 घंटे 20 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत 2 घंटे 20 मिनट होंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं. क्या मस्त लाइन मारी है, ऐसा थंब मिल गया मेरे को मेरे वीडियो का, 2 घंटे 20 मिनट. आपने टीवी में बहुत काम किया है और ये आपकी डेब्यू फिल्म है. कुछ फर्क है क्या टीवी शूट करने में या एक्टिंग? तो आप कर ही रहे हो बट कोई प्रोसेस में कुछ डिफरेंस है? हाँ जी, प्रोसेस में डिफरेंस है. टाइम बारिंग नहीं होता है यहाँ पे बेसिकली. वहाँ अगर हम 12 घंटे की एक शिफ्ट कर रहे हैं, 12 घंटे की शिफ्ट में आपको 20 मिनट का कंटेंट निकालना है क्योंकि अगले दिन का टेलीकास्ट होता है. यहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट में आपको 2 मिनट का कंटेंट निकालना है, 10%. हाँ, क्योंकि ऐसा आपको कल टेलीकास्ट नहीं है आपका. आप अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, एक एक एक्सप्रेशन पे वर्क कर सकते हैं और डिटेल पे काम कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं और ज़्यादा एम्फेसिस देके अपने क्राफ्ट को निखार सकते हैं. टीवी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती. कोशिश मैंने वहाँ पे भी पूरी की, मैंने कोशिश की, मैं कभी ख़राब काम नहीं किया. मैंने कोशिश की यार नहीं, अच्छा ही करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अच्छा करेंगे. मैंने मेल ओरिएंटेड शोज़ किए, अच्छे से कोशिश की करने की. यहाँ पे आके मुझे और ज़्यादा वक्त मिल रहा है अपनी चीज़ों को निखारने का, इसलिए मैंने वेट भी गेन किया अपने कैरेक्टर के लिए. लोग वेट लूज़ करते हैं, मैंने वेट गेन किया. लोग अपने अच्छे फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं, मैंने XXXXL शर्ट्स पहनी जस्ट टू लुक लाइक अ कॉमन मैन. वो एक्टर वाला जोन चाहिए नहीं था. रीज़न मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एज अ परफॉर्मर जाने, एज एन एक्टर जाने. वो लुक्स और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हाँ, और टीवी और फिल्म की जर्नी जो है, जो जिस तरीके से लोग देखते हैं मैं उस तरीके से नहीं देखता. मैं सोचता हूँ अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप हॉलीवुड करें, बॉलीवुड करें, टीवी करें, दूरदर्शन करें, आप अच्छे आर्टिस्ट ही रहेंगे. बस मैं 2 मिनट ले लेती हूँ, क्विक एक रैपिड फायर टाइप का खेलना चाह रही हूँ आपके साथ. एक वर्ड में बोलना है. व्हेन आई से वर्ड यारियां, एक वर्ड बताइए क्या आता है यारियां बोलते ही. प्यार. प्यार. शिखरन बज्जू. शिखरन बज्जू. अब कैरेक्टर. इनकी कैरेक्टर्स. 20 अक्टूबर. इसके अलावा कोई एक कैरेक्टर है जो आपका कैरेक्टर है, आपको अगर खुद का कैरेक्टर नहीं करना है तो कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे आपस में करने के लिए? ये तो मैं सोच ही नहीं सकता. अब तो मैं 1.5 साल से बज्जू बन चुका हूँ. या नॉट पॉसिबल. मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. ठीक है ठीक है. लेट कौन आता था सेट पे? कोई नहीं. ऐसा
तीनों में अगर कंपेयर करें, जिस दिन मैं और याक शिखर हम लोग जिस दिन शूट नहीं भी कर रहे होते थे ना, उस दिन भी हम 5 बजे ही आते थे और रात तक रहते थे। हम लोगों को ऐसे मतलब था डिसिप्लिन। फनी कौन है ज्यादा? हमारा क्रू हमारा क्रू इतना फनी है, आप अगर मिलेंगे मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्यों? ऐसे यूनिक पीसेस हैं सच में जी, सबकी एक अलग। ज्यादा नॉइजी क्रू था हमारा, जितना भी बोल दो साइलेंट तो भी चुप ही नहीं होते थे। पहला फिल्म सेट है जहाँ मैंने देखा भी बोलते ही रहते हैं, बातें करने पे इतनी बातें उनके पास, मतलब हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर भाई चुप हो जाओ, चुप ही नहीं होंगे, टेक भी चलो कुछ नहीं, बातें ऑन, मतलब फुल ऑन माहौल बना रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल बना नहीं था, माहौल खराब रहता था, फुल ऑन माहौल खराब रहता था। यू एवर सीन रीटेक सबसे ज्यादा किसने लिए? आई थिंक मिजान के ऊपर कुछ बोलने वाला था, डायरेक्टर्स ने बहुत टेक्स दिए डायरेक्टर। क्यों रुक गए आप, बोल दीजिए मिजान को। डिड दे माइक है आई थिंक, व्हिच वन दे वर्कड ऑन यू द मोस्ट? बिकॉज़ पीछे गाड़ी रुक गई, पीछे कोई आसरा है, पीछे वो पंखा हिला नहीं। ओके डोंट बी बैड अबाउट इट, नो नो आई एम सेइंग दैट दिस इज व्हाट वी हैव। वन मोर फॉर सेफ्टी, वन मोर फॉर सेफ्टी। 90% इज डन, 10% यू हैव टू पॉलिश इट। अच्छा सबसे ज्यादा फूडी कौन? सबसे ज्यादा फूडी, फूडी तीनों पर खाता कोई नहीं। नहीं मैं तो खाती हूँ, हाँ, तो खाना खाती हूँ। खाती हूँ, हम दोनों खा नहीं पाते मजबूरी में। क्यों? अच्छा वही डाइट, अब वापस डाइट, वेट कम करना था ना वापस से, नहीं तो लोग सोचते हैं मैं मोटा हूँ ऐसा जैसा दिख रहा हूँ। बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट कर रहे हैं आप, आपकी इसी स्टेटमेंट को काट के अलग से चलाएंगे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अच्छा नहीं, सब सेट पे आके सो कौन जाता था? कोई तो होगा, मिजान सोता था। मिजान, मिजान सो जाता था जब मिला वक्त, ये तो आराम से सो जाता 100%। डायरेक्टर से गाइड किसको ज्यादा पड़ती थी? पर्ल। क्यों? वो पर्ल से पूछिए, फेवरेट हूं ना। चलिए ठीक है, ये जो फन कन्वर्सेशन थी, ये क्वेश्चन आपने पहली बार पूछा, इतने इंटरव्यूज हो गए अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये बहुत आइकॉनिक क्वेश्चन है जो आपने पूछा। ये जो फन कन्वर्सेशन है ऑन स्क्रीन, इंटरव्यू में तो देख लिया है लेकिन ऑन स्क्रीन भी दिखने वाला है, आपको जाना है यारियां 2 देखनी है। खूब प्रमोशन हो गया यारियां 2 का, आपने इंटरव्यू देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. सब लोगों ने देखनी है प्लीज। हाँ।